दोस्तों, जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में या फिर टेली डॉट ERP9 सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर की एंट्री करते हैं, तो सेल वाउचर की एंट्री करते वक्त हमारे पास सेल्स वाउचर में दो तरीके के ऑप्शन आ सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास इस तरीके का आ सकता है, इसमें सेल वाउचर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें सेल वाउचर का नंबर लिखना होता है और यहाँ पर पार्टी का अकाउंट नेम, जिस पार्टी को हम गुड सेल कर रहे हैं, और उसके बाद में हमें यहाँ पे एक सेल्स लेजर भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमने किस प्रकार की सेल कर रहे हैं, या टैक्स फ्री की सेल है, या फिर GST 5% की है, 12% की है, 18% की है, या फिर GST 28% की सेल है। तो एक ऑप्शन आपके पास इस तरीके का आ सकता है और एक ऑप्शन आपके पास इस तरीके का भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना ही है भी इसमें सेल वाउचर का नाम भी लिखा हुआ है, इनवॉइस का नंबर भी आ रहा है और पार्टी का अकाउंट नेम भी आ रहा है जिस कस्टमर को हमने सेल करना है, लेकिन यहाँ पर जो सेल्स लेजर का जो ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन अब इस मोड में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम दोनों मोड में एंट्री करेंगे तो हमारे GSTR 1 पे, हमारी बुक्स के ट्रेडिंग अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और हमें कौन से मोड में सेल्स वाउचर की एंट्री करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब कुछ आज हम इसी वीडियो में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक आप कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक सेल का वाउचर है और इसी सेल वाउचर की एंट्री हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में उन दोनों मोड में करके देखेंगे भी एंट्री करने के बाद हमारी बुक्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसी ऑप्शन में एंट्री करके देखेंगे, सेल्स लेजर वाले ऑप्शन में। और तो सबसे पहले हमें इनवॉइस का नंबर हमें लिखना पड़ेगा, तो इनवॉइस का नंबर हम SE001, और उसके बाद में जो डेट है वो 2 फरवरी है इनवॉइस पे, और पार्टी अकाउंट नेम में सुमित कुमार का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद में सेल्स लेजर हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने के पूछेगा, और सेल्स के जो लेजर है वो हमने 4 अलग अलग टाइप के सेल के लेजर भी क्रिएट करके रखे हुए हैं, क्योंकि अब इस इनवॉइस में हमारे पास 4 अलग अलग तरीके की सेल हमने करी है। इसमें GST 5% के भी प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं, 12% वाले भी हैं, 18 वाले भी हैं और 28% वाले भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप जब टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हो और एंट्री करते वक्त आप इस मोड में एंट्री कर रहे हो, तो अगर आपके पास मल्टी सेल आप कर रहे हो, यानी कि इनवॉइस में डिफरेंट अलग 5 बार 18 28 सभी प्रकार के टैक्स वाली एंट्री सेल इनवॉइस की तरफ से कर रहे हो, तो आप इसमें से कौन सा लेजर सेलेक्ट करोगे। तो दोस्तों, अगर आप मान लीजिए आपने जल्दबाजी में GST 12 का कर लिया या फिर 18 का कर लिया, कोई भी आपने लेजर सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने 18% वाला लेजर सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया, और उसके बाद में हम यहाँ से सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में नेम ऑफ आइटम, जो नेम ऑफ आइटम है वो हमारी इस इनवॉइस में, एक तो प्रोसेसर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्वान्टिटी इसकी 2 पीसेस हैं, और इसका रेट हम लिखेंगे यहाँ पे 11,525 रुपये और 42 पैसे, और उसके बाद सेकंड जो आइटम है वो मदरबोर्ड, इसके भी 2 पीसेस हैं, और इसकी वैल्यू हमने डाल दी इनवॉइस को देख के। थर्ड आइटम रैम है 5 पीस, और इसकी वैल्यू भी हमने लिख दी, और फोर्थ आइटम LG डिविडी राइटर 1 पीस है, और इसकी जो वैल्यू है 898 रुपये और 44 पैसे, और उसके बाद में हम CGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और SGST टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में हम राउंड ऑफ करेंगे इन 2 पैसों को। तो दोस्तों, ये सेल वाउचर की एंट्री करने के बाद इस सेल्स लेजर वाले ऑप्शन में, तो इसकी जो वैल्यू बनी है इनवॉइस की वो टोटल 29,950 रुपये की आई है, और अगर इनवॉइस की टोटल वैल्यू देखें तो इसका जो भी नेट टोटल है वो भी 29,950 रुपये ही है, यानी कि अब एज पर सेल्स इनवॉइस के अकॉर्डिंग हमारी जो सेल वाउचर की जो एंट्री है वो सही तरीके से पोस्ट हुई है, और इस वाउचर को हम इस मोड में करते हैं सेव। और अब हम चलते हैं उस सेकंड ऑप्शन पर, यानी कि इस वाले ऑप्शन पे जहां पर हमें सेल्स लेजर ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस वाउचर में हम एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो और वाउचर की जो एंट्री है वो हम यही इनवॉइस की एंट्री इसमें करने वाले हैं, तो SE001 और 2 फरवरी डेट, उसके बाद में कस्टमर का नेम सुमित कुमार, और नेम ऑफ आइटम, तो यही नेम ऑफ आइटम हम यहां पर भी सिलेक्ट करेंगे,
11,525 रुपये 42 पैसे। और उसके बाद में जो उस मोड में सेल का लेजर हमारे से जो यहाँ से फर्स्ट टाइम ही पूछ लिया था, अब वो लेजर हमें हर आइटम के बाद में यहाँ से पूछेगा भी अब आपकी ये जो प्रोडक्ट है आपका कितने परसेंट वाला प्रोडक्ट है, यानी कि 18% वाला ये प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पर जो हमने सेल के लेजर जो बना के रखे हैं इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कंप्यूटर पार्ट्स सेल्स GST 18% को, और उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे सेल टैक्सेबल, और उसके बाद में सेकंड आइटम है मदरबोर्ड क्वांटिटीज़ की हम डालेंगे 2 पीसेस और 7,321 रुपये 43 पैसे। और उसके बाद में ये जो प्रोडक्ट है ये GST 12% वाला है, तो हम यहाँ से इसमें से GST 12% सेल लेज़र का सेलेक्ट करेंगे और सेल्स टैक्सेबल रखेंगे। जो थर्ड आइटम है वो रेम है, 5 पीसेस की क्वांटिटी है और 6,066 रुपये 67 पैसे। और ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा GST 5% का है, तो हम इसमें से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे GST 5% का सेल का लेजर, और इसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे सेल टैक्सेबल। और उसके बाद में फोर्थ आइटम LG DVD राइटर 1 पीस, और इसकी क्वांटिटी और इसकी वैल्यू हम डाल लेंगे 898 रुपये 44 पैसे। और उसके बाद फिर से हमें पूछेगा ये जो DVD राइटर है इस कौन से लेज़र का है, तो ये GST 28% का है, तो इसमें हमने जो 28% को लेज़र को सेलेक्ट करेंगे सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद में CGST टैक्स और SGST टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार हम ये 2 पैसे इस इनवॉइस में हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो इस मोड में भी जो हमारी इनवॉइस की टोटल वैल्यू बनी है वो 29,950 रुपये की आई है, और इस इनवॉइस में भी 29,950 रुपये की है, यानी कि दोनों ऑप्शन में हमारे सेल वाउचर वो बिल्कुल सही तरीके की पोस्टिंग हमने करी है और इस वाउचर को हम करते हैं सेल। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि इन दोनों वाउचरों में मोड में एंट्री करने के बाद कहाँ इफेक्ट इसका आया है। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा ट्रेडिंग काउंट में। तो हम ट्रेडिंग काउंट किस तरीके से देखेंगे, हम टेली की होम स्क्रीन पे यानी कि गेटवे टेली पर आएंगे, और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को, और Alt F1 के साथ डिटेल को करेंगे ओपन। तो दोस्तों आप देख रहे हो इस ऑप्शन से हमने जो एंट्री करी थी बिना सेल्स लेजर वाले तरीके से, और अब हम उस तरीके को भी ओपन करेंगे जिसमें हमने इस मोड में एंट्री करी थी। तो अब इसका जब हम ट्रेडिंग काउंट देखेंगे गेटवे के होम पेज पे आएंगे, गेटवे टेली पे प्रॉफिट एंड लॉस काउंट को हम सेलेक्ट करेंगे और Alt F1 के साथ इसकी डिटेल ओपन करेंगे। तो दोस्तों इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल जो सेल आ रही है यहाँ पर 26,411 रुपये 96 पैसे की है, और इस टैली में भी 26,411 रुपये 96 पैसे की है। तो दोनों में सेल वाउचर बिल्कुल सही तरीके से चढ़ा था, सेल वाउचर की अमाउंट भी हमारी मैच हो चुकी है। लेकिन अगर हम बात करें अलग अलग परसेंटेज वाइज सेल की, यानी कि अगर इस टोटल सेल में आपकी 12% की सेल कितनी है, 18 की कितनी है, 28 की कितनी है, तो हमें इस मोड पर अलग अलग तरीके की बिल्कुल स्पष्ट रूप से शो हो रहा है भी हमारी GST 12% की जो सेल है वो 7,321 रुपये 43 पैसे की है, 18% की भी, 28% की और 5% की भी। अगर हम इस इनवॉइस के साथ अगर मैच करें तो यहाँ से भी हम मैच कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर 5% की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो 6,666 रुपये 67 पैसे है। तो हम टेली की बात करें तो टेली में भी आपको यहाँ पर ये जो सेल की वैल्यू हमारी 6,666 रुपये 67 पैसे शो होएगी। लेकिन अगर हम सेल्स लेजर वाले इस तरीके की बात करें तो हमें यहाँ पर अलग अलग तरीका है जो बिल्कुल शो नहीं हो रहा, यहाँ पर आपको केवल एक लेजर है जो शो देखने को मिलेगा भी 26,411 रुपये 96 पैसे की जो सेल है वो सारी की सारी 18% की सेल है जो टेली ने शो कर दी है। तो दोस्तों जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारा इसी ट्रेडिंग काउंट पर ही पड़ता है। अगर हम बात करें GST R1 की, तो GST R1 की जो सेल है वो बिल्कुल सही रहेगी, वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर जाएंगे, GST रिपोर्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में GST R1 को सेलेक्ट करेंगे और F2 करके हम इसको पीरियड ओपन करेंगे इसका। तो और इसमें अगर हम B2C की सेल देखें तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो वो 26,411 रुपये 96 पैसा ही आ रहा है, और जब हम इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो जो सेल की वैल्यू है अलग अलग जरूर शो कर देगा, और ये यहाँ पर भी शो करेगा तो ये इस टैली के अंदर भी शो करेगा। तो इसमें भी ये इसी तरीके की शो करेगा जैसा कि आप इस टैली में देख रहे हो। तो दोस्तों
जो हमारी जीएसटी की रिटर्न है वो बिल्कुल सही तरीके से बनेगी, लेकिन जो मेन इफेक्ट आपको देखने का मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के आधार पर इस टैली की और इस टैली की जो सेल है, हम यहाँ से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमारे पास ये रहेगा भी यहाँ पर तो टोटल आपको एक ही टाइप की सेल दिखा रहा है, जीएसटी 18% की सेल आपकी टोटल इतनी है, जबकि ये सारी 18% की सेल नहीं है, इसमें भी अलग अलग वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से अगर हम एंट्री करेंगे, हम इसी तरीके वाउचर को हम ओपन करेंगे, तो दोस्तों अगर हम इस तरीके वाले एंट्री भी करेंगे, अगर हम मल्टी सेल कर रहे हैं इनवॉइस में टैक्स फ्री 5 बार 18 28 की सेल कर रहे हैं, तो हमें जो सिंगल जो मोड की एंट्री है वो ऑप्शन को बंद कर लेना चाहिए और हमें इसको इस अकाउंटिंग मेथड के हिसाब से एंट्री करनी चाहिए, जिससे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है जो बिल्कुल स्पष्ट तैयार हो। तो दोस्तों इसी ऑप्शन को हमें डिसेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे आप आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है सेल वाउचर की एंट्री करते वक्त, अगर आप ये चाहते हो भी ये जो सेल्स का लेजर है ये आपको यहाँ पर शो न हो, तो आप क्या करोगे, इसी सेल वाउचर पर रहते हुए कीबोर्ड से F12 हम प्रेस करेंगे, और F12 प्रेस करने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पर सेलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, इस ऑप्शन को हम यहाँ से कर देंगे ऑफ, यानी कि नो कर देंगे और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को एक्सेप्ट करेंगे, तो अब आप देख रहे हो ये ऑप्शन आपका सेल्स लेजर है जो यहाँ से हट जाएगा। अगर इसी ऑप्शन को आप दोबारा अगर यस करेंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सेल का लेजर है जो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।